हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टुडे। और आज का जो हमारा सेशन है वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट प्रैक्टिस एंड डे टू पे आ गए हैं। हमने कल बेसिक्स किए थे, कुछ इजी सेंटेंसेस थे और कुछ सारा टफ नहीं था उसमें, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी था क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि इंग्लिश जिनकी इंग्लिश का जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं है या फिर उनकी बेस इंग्लिश का वीक है, तो उनके लिए ईजी सेंटेंसेस से स्टार्ट करना मस्ट है। ठीक है, तो आज की जो सेंटेंसेस है थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं और मैंने पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है जो क्वेश्चंस उठाए हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस है वो पैटर्न है इस टाइप से, देन उसके बाद क्वेश्चंस है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, लास्ट सेंटेंस, सेकंड या फोर्थ सेंटेंस, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि इन जो दो क्वेश्चंस में जो मैंने पिक किए हैं उसमें आपको ऐसा करना है कि आपको कभी लगेगा कि ये भी हमारा बिगिनिंग वाला सेंटेंस हो सकता है, ओपनिंग सेंटेंस है या दूसरा कोई हो सकता है। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा ओपनिंग सेंटेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बेस्ड पे ये वीडियो है सारी। तो पहले हम पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे वो एक दूसरे से लिंक है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है, द कसिनी मिशन इज करंटली एग्जीक्यूटिंग अ सीरीज ऑफ डेयरिंग रिंग रेजिंग डाइव्स एज द मिशन कम्स क्लोजर टू द कल्मिनेशन ऑफ इट्स एपिक 20-year लॉन्ग जर्नी इन स्पेस। हम एक मिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी एक डेयरिंग रिंग रेजिंग डाइव्स पे काम कर रहा है। द इमेज वॉज टेकन इन ग्रीन लाइट विद कसिनी स्पेस क्राफ्ट वाइड एंगल कैमरा ऑन मार्च 31 एंड द व्यू वॉज ऑब्टेन्ड द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 million किलोमीटर्स फ्रॉम सैटर्न। अब यहाँ पर द इमेज है, राइट, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में हमारे पास कोई भी इमेज की बात नहीं हुई थी, और यहाँ पर द है, इट मीन्स इसके पहले कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें इमेज की बात होगी। ओके, द न्यू इमेज कैप्चर्स द अनइल्यूमिनेटेड साइड ऑफ द रिंग्स फ्रॉम अबाउट 7 degrees बिलो द रिंग प्लेन। ओके, फिर से हमारे पास एक इमेज की बात आई है, लेकिन ये इमेज कौन सी अभी तक हमें पता नहीं है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग 22 dives बिटवीन द प्लैनेट्स आईसी रिंग्स द स्पेसक्राफ्ट विल प्लंज इनटू सैटर्न्स एटमॉस्फेयर। इट मीन्स कि सेंटेंस फ्यूचर में चला गया है, इसका इन सभी सेंटेंसेस से कोई लिंक नहीं है अभी फिलहाल। तो नासा कैसिनी स्पेस क्राफ्ट हैज बीम्ड बैक अ स्टनिंग इमेज दैट शोज अ सिल्वर ऑफ सैटर्न्स सनलिट एटमॉस्फेयर विद इट्स आईसी रिंग्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द फोरग्राउंड एज अ डार्क बैंड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कैसिनी स्पेस क्राफ्ट की बात हो रही है, स्टनिंग इमेज की बात हो रही है आईसी रिंग्स की, और जो रिंग्स हैं उन्होंने एक डार्क कलर का बैंड बनाया हुआ है, राइट। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग सेंटेंस, क्योंकि इसमें हमें इमेज की बात भी मिल रही है, रिंग्स की बात भी मिल रही है और स्पेस क्राफ्ट की भी बात भी मिल रही है। तो ई से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। उसके बाद इस स्पेस क्राफ्ट के बाद कहाँ पर स्पेस क्राफ्ट की बात आई है, सेंटेंस ए में, क्योंकि उसके बाद तो कहीं पर भी स्पेस क्राफ्ट की कोई बात नहीं आई है और ये फ्यूचर में है तो ये इससे कहीं भी लिंक नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको रीड करते हैं कि द कसिनी मिशन इज करंटली एग्जीक्यूटिंग अ सीरीज ऑफ, एग्जीक्यूटिंग मीन्स इसको शो करना किसी चीज़ को या फिर किसी चीज़ को प्रैक्टिस में लाना, दैट इज एग्जीक्यूशन। इज करंटली एग्जीक्यूटिंग अ सीरीज ऑफ डेयरिंग रिंग रेजिंग डाइव्स एज अ मिशन कम्स क्लोजर टू द कल्मिनेशन ऑफ इट्स एपिक 20-year लॉन्ग जर्नी इन स्पेस। यहाँ पर दोनों जगह पे हमारे पास स्पेस क्राफ्ट की बात हुई है, इसलिए ई और ए आपस में कनेक्टेड हैं। देन जो सेकंड इसमें बात हुई थी वो थी इमेज की, राइट, बैक अ स्टनिंग इमेज। अब इमेज की बात हुई है तो हम क्या करेंगे, इमेज कहाँ पे आ रही है, एक तो इमेज है बी में और एक इमेज है सी में। द न्यू इमेज कैप्चर्स द अनइल्यूमिनेटेड साइड ऑफ द रिंग्स फ्रॉम अबाउट 7 degrees बिलो द रिंग प्लेन एंड द इमेज वॉज टेकन इन ग्रीन लाइट। पहले हम ये बताएंगे ना कि इमेज शो क्या कर रही है, राइट, तो इमेज शो क्या करती है, कैप्चर्स द अनइल्यूमिनेटेड साइड्स ऑफ द रिंग्स। तो ए के बाद क्या आया, सी, और सी के बाद आया बी, राइट। बी के बाद हमारे पास कौन सा सेंटेंस बचा, ओनली डी। तो ये हमारा जो है अरेंजमेंट सेटअप हो गया है कि ई ए सी बी डी, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। वापस इसको एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ गलती की है इसको रीअरेंज करने में।
नासास कसीनी स्पेसक्राफ्ट हैज बीम्ड बैक अ स्टनिंग इमेज दैट शोज अ सिल्वर सैटर्न सनलिट एटमोसफियर विद इट्स आइसी रिंग स्ट्रेच्ड अक्रॉस द फोरग्राउंड एज अ डार्क बैंड। ये हमारे नासा के स्पेसक्राफ्ट की बात हुई। फिर कसीनी स्पेसक्राफ्ट क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है सीरीज ऑफ रिंग ग्रेजिंग डाइज, ठीक है, और ये अपने 20 ईयर लॉन्ग जर्नी स्पेस में ख़त्म करने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात आई कि इमेज की, इमेज ने कैप्चर क्या किया, साइट्स कैप्चर की रिंग्स की, और ये उसने इमेज को कैप्चर कैसे किया था, ऑब्टेन फ्रॉम अ वाइड एंगल कैमरा, ठीक है। तो लास्ट में जो हमारे पास सेंटेंस डी बचा वो हमें ये बता रहा है कि जो स्पेसक्राफ्ट है आइसी रिंग्स के बाद, क्योंकि यहाँ पर उसने डाइव्स कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो जो स्पेसक्राफ्ट है वो सैटर्न के एटमॉस्फेयर में एंटर करने वाला है, ठीक। तो हमारे पास एक सीक्वेंस बना कि पहले हमने किसकी बात की, स्पेसक्राफ्ट की, स्पेसक्राफ्ट क्या करता है, उसकी इमेज कैसे बनी, इमेज का फीचर्स क्या थे, इमेज को कैसे कैप्चर किया गया, और इमेज कैप्चर करने के बाद वो क्या करने वाला है। तो इस तरह से हमारा सीक्वेंस बन गया। हम यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर क्या था, ई ए सी बी डी। पहले हम अपना आंसर लिख लेंगे, ई ए सी बी डी। अब लास्ट सेंटेंस क्या है हमारा, डी। फर्स्ट सेंटेंस ई, सेकेंड सेंटेंस ए, फोर्थ सेंटेंस बी एंड थर्ड सेंटेंस इज सी। तो हमने सारे क्वेश्चंस को आंसर कर लिया। इस तरह से आपको एग्जाम में भी आंसर करना पड़ेगा। तो पहले आपने ये नहीं देखना कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, सेकेंड कौन सा है, आप पहले उसको रीअरेंज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। यही राइट स्ट्रेटजी है इस टाइप के, अगर आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजम्बल्स आते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास। पहले इसको रीड करेंगे, फिर इसको लॉजिकल सीक्वेंस में डालने की कोशिश करेंगे। विथ दिस कन्नड़ा फिल्म्स विल हैव टू कम्पीट विद द अदर लैंग्वेज फिल्म्स। अब ये सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, विद दिस, इट मीन्स कि इसके पहले कुछ ऐसा है जो इसको लिंक करने वाला है। विद द सेंटर रोलिंग आउट द GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स फ्रॉम July 1, कन्नड़ा व्यूअर्स फिल्म व्यूअर्स विल हैव टू शेल मोर टू वॉच देयर फेवरेट एक्टर्स ऑन द बिग स्क्रीन। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, GST की। बोथ सिंगल स्क्रीन एंड मल्टीप्लेक्स इन द स्टेट हैव टू कलेक्ट 18% GST फ्रॉम द ऑडियंस ऑफ ऑल लैंग्वेज फिल्म फॉर टिकट्स प्राइस्ड बिलो 100 एंड 28% फॉर टिकट्स अबव ₹100 एंड नो डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन एड्रेसिंग द इशू, राइट। अब इसका मतलब है कि GST लगेगा। GST के बाद क्या होने वाला है कि जो उन मूवीज़ को देखने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। द बॉल इज़ नाउ इन द कोर्ट ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट टू इंसुलेट कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री फ्रॉम द GST इफेक्ट। इंसुलेट कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री फ्रॉम GST इफेक्ट मतलब कि कोर्ट अब डिसाइड करेगा कि GST के इफेक्ट से फिल्म इंडस्ट्री को कैसे प्रोटेक्ट करना है। This is because the entertainment tax exemption that Kannada films enjoyed will cease to exist under the new tax regime. अब ये new tax regime क्या है, GST। This is because it means कि इसके पहले भी कोई एक sentence leak होने वाला है, right? तो हमारा जो पूरे हमने जब इसको read किया तो पहली चीज़ हमें मिली कि GST की वजह से जो tickets हैं वो महंगी होने वाली हैं। तो हमारा opening sentence क्या हो जाएगा, बी। बी के बाद क्या आएगा, बी सेंटेंस को पूरी तरह से रीड करेंगे। विद द सेंटर रोलिंग आउट द GST फ्रॉम July 1, कन्नड़ा फिल्म व्यूअर्स विल हैव टू शेल मोर टू वॉच देयर फेवरेट एक्टर्स ऑन द बिग स्क्रीन। इट मीन्स कि उनको क्या है, पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब पैसे क्यों देने पड़ेंगे, इसका रीज़न क्या है, दिस इज बिकॉज। ई आएगा, क्योंकि जो टैक्स एग्जम्पशंस मिलती थी व्यूअर्स को फिल्म की टिकट्स पे वो ख़त्म हो जाएगी। तो बी के बाद ई आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि बोथ, अब हमने ये रीज़न तो पता कर लिया लेकिन कितना टैक्स लगेगा वो भी देखना है। बोथ सिंगल स्क्रीन्स एंड मल्टीप्लेक्स इन द स्टेट विल हैव टू कलेक्ट 18% GST फ्रॉम ऑल लैंग्वेज ऑफ फिल्म फॉर टिकट्स प्राइस बिलो 100। अब यहाँ पर ऑल लैंग्वेजेस की बात हो रही है, यहाँ पर अदर लैंग्वेजेस की बात हो रही है, ठीक है।
तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास पहले सी आएगा, कि जो कन्नड़ा फिल्म्स थी उनको बाकी की लैंग्वेजेस की फिल्म के साथ कंपीट करना पड़ेगा, क्योंकि सबके प्राइसेस ही सेम होने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए तो टिकट्स तो उतने पैसों की मिलने वाली जितने बाकी लैंग्वेजेस की टिकट्स मिलती हैं। तो इसके बाद हमारे पास आया सी। विथ दिस कन्नड़ा फिल्म विल हैव टू कम्पीट विद द अदर लैंग्वेजेस फिल्म, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सी के बाद लैंग्वेजेस की बात सेंटेंस ए में आई थी, और उसके बाद हमारा जो सेंटेंस डी बचा है। डी क्या है, एक कंक्लूजन दे रहा है, एक मतलब हमने बताया कि टैक्स लगने से टिकट्स महंगी होने वाली हैं। टिकट्स क्यों महंगी होने वाली, क्योंकि टैक्स की जो एग्जम्पशंस थी वो ख़त्म हो गई हैं कन्नड़ा फिल्म्स पे, राइट। उसके बाद हमने बताया कि कितना टैक्स लगने वाला है, और टैक्स लगने के कारण जो फिल्म्स थी उनको अदर लैंग्वेजेस की फिल्म्स के साथ कंपीट करना पड़ेगा, और इसके लिए अब जो डिसीजन है वो कौन लेगा, कोर्ट लेगी। ठीक, तो एक लॉजिकल सीक्वेंस हमने पूरा सेंटेंस फ्रेम कर लिया, बी ई सी ए डी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। हम इसको क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, बी ई सी ए डी। ठीक है, तो लास्ट सेंटेंस कौन सा है आपका, डी। फर्स्ट सेंटेंस है आपका बी, सेकंड सेंटेंस है ई, फोर्थ है ए, एंड थर्ड है सी। ओके, क्लियर। तो आपका ये था सेंटेंस रीअरेंजमेंट का डे टू प्रैक्टिस का, और इसके बाद अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ अपने जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वो अपना टाइम निकालते हैं, वीडियोस को देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कुछ भी आपको अगर चाहते हैं कि वीडियोस में हम कुछ नया लेकर आए, आपके क्या डाउट्स हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, और नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें या फिर लाइव सेशन अरेंज करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके अलावा आपने जो करना है वो है जीके डाइजेस्ट को एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ताकि आपको नया कंटेंट मिले, नई नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम मंडे को नया सेशन अपलोड करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ बताइए कि आपको कौन से सेक्शन पे या कौन से क्वेश्चंस करने हैं, हम उस पर ही वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।